हेलो चेस इंडिया के धमाका शॉर्ट गेम सीरीज एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दो ब्यूटीफुल गेम्स, वो है स्कॉच ओपनिंग में। दोनों गेम्स में दोस्तों हमें बहुत ही खूबसूरत चेक एनिमेट देखने मिलती है। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऑसम वीडियोज मिलते रहे एवरी वीक। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये है गेम नंबर 1 जहाँ पे व्हाइट ने खेला है e4, e5, nf3, nc6, d4। जब दोस्तों व्हाइट यहाँ पे d4 खेलता है इस पोजीशन में उसे कहते हैं स्कॉच गेम। e takes d4 ये एक नेचुरल मूव है और बेस्ट कंटिन्यूएशन है ब्लैक की तरफ से कि आपको d4 का पॉन कैप्चर करना है। इसके बाद कुछ ऑप्शंस व्हाइट के पास है। व्हाइट खेल सकता है bishop to c4, ये मूव है इसे कहते हैं स्कॉच गैम्बिट, जहाँ पे व्हाइट d4 का पॉन कैप्चर नहीं करता है। अगर बिशप c4 नहीं खेलेंगे तो यहाँ पे एक और लाइन है व्हाइट के लिए, वो है c3 और इसे कहते हैं गोरिंग गैम्बिट। और इसकी मेन लाइन है दोस्तों नाइट क्रॉस d4। सो नाइट क्रॉस d4 के बाद ब्लैक खेलेगा Nf6। Nf6 के बाद यहाँ पे Nf6 अगर ब्लैक को नहीं खेलना है तो ब्लैक के पास ऑप्शंस है क्लासिकल वेरिएशन Bishop c5, स्टीनीज वेरिएशन Qh4। Qh4 दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जहाँ पे ब्लैक को कंपलसरी एक पॉन मिलता ही है, लेकिन व्हाइट को उसके बदले में एक अच्छा अटैक और ओपन पोजीशन मिलती है। तो आपको जस्ट एक आइडिया देता हूँ मैं कि Qh4 के बाद क्या हो सकता है। Nc3, Bb4, अब ये नाइट पिन हो चुका है, e4 का पॉन यहाँ पे मिल सकता है ब्लैक को, Bb2, Qc4, Nb5, Bc3, Bc3, King d8, कैसल्स। सो ये कंटिन्यूएशन है अगर Qh4 की लाइन ब्लैक खेलना चाहे तो। हम कुछ मूव पीछे चलते हैं अभी। सो d4 के बाद e क्रॉस d4, Nc d4 और यहाँ पे ब्लैक ने खेला है Nf6। Nf6 के बाद Nc c6, Bc6, Bd3, Rb8 अटैकिंग इन द ओपन बी फाइल, Bg5, यहाँ पे ब्लैक ने खेला है दोस्तों d5, सेंटर पे अटैक करने की कोशिश की है वाइट के। और यहाँ पे वाइट के पास कुछ ऑप्शंस थे जैसे कैसल्स कर सकता था वाइट या फिर e क्रॉस d5 कर सकता था, लेकिन यहाँ पे वाइट ने चूज़ किया है e5 खेलना। अगर आपने पिनिंग का कंसेप्ट सीखा है तो पिनिंग में आपको बताया जाता है कि जो पीस पिन हुआ है उसके ऊपर आपको अटैक बढ़ाना है। तो इस केस में दोस्तों नाइट पिंड है और नाइट के ऊपर पॉन e5 खेल के वाइट ने अटैक बढ़ाया है। इसके बाद ब्लैक ने खेला है Qe7, उसने रिवर्स पिन किया है इस पॉन को, अब ये पॉन कैप्चर नहीं कर सकेगा नाइट को। और वाइट ने यहाँ पे खेल दिया है कैसल्स। कैसल्स के बाद दोस्तों अब देख सकते हो कि नेक्स्ट मूव पे ये वाइट e takes f6 खेल सकता है, इसलिए ब्लैक यहाँ पे Qc5 खेलता है ताकि नेक्स्ट मूव पे नाइट नहीं जाए। और इसके बाद दोस्तों व्हाइट ने ब्लैक की क्वीन पिन की है। अगर आपको पिन स्टॉप करना है तो यहाँ पे आपको Ne4 खेलना कंपलसरी है। व्हाइट ने खेला है Bc4, और अब यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन है ब्लैक के पास, एक है Dc4 और दूसरा है Qc5। अब दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, ऑल बिगिनर्स अगर ब्लैक Dc5 खेलता है तो आपको व्हाइट से mate in 1 फाइंड आउट करनी है। और दोस्तों आंसर है Qd8 चेक एंड मेट। तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए ब्लैक बिशप कैप्चर नहीं कर सकता, उसे ये बिशप कैप्चर करना होगा और वो खेलता है Qc5, Bc5 चेक। अब आप देखोगे तो इस किंग को रुक ने चेक दिया है, और जिन प्लेयर्स को ये नहीं पता है कि इस चेक को क्या कहते हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे चेक को डिस्कवर चेक कहते हैं। जब भी आपका कोई पीस बीच में होता है और आप उसे मूव करके किसी और पीस से चेक देते हो तो इस मूव को या फिर इस चेक को डिस्कवर चेक कहा जाता है। और बिशप क्रॉस d5 के बाद उसने खेला है Bc7, Bc7 के बाद Bc6 चेक, King f8, और यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो पॉज करना है एंड वाइट की तरफ से ढूंढना है mate in 2 मूव्स। तो दोस्तों आंसर है Qd8 चेक, Bc8 एंड Re8 चेक एंड मेट। तो दोस्तों ये है गेम नंबर 2 और इस गेम में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत चेक एंड मेट व्हाइट ने की है सिर्फ 10 मूव्स में। e4, e5,
नाइट एफ थ्री, नाइट सी सिक्स, डी फोर, ई टेक्स डी फोर, नाइट टेक्स डी फोर, नाइट ई सेवन। व्हाइट खेलेगा नाइट सी थ्री, जी सिक्स। यहाँ पे ब्लैक चाहता है कि वो अपना बिशप जी सेवन से डेवलप करे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों व्हाइट को बहुत ही अच्छा अटैक मिल सकता है। तो देखते हैं व्हाइट ने कैसे कंटिन्यू किया। व्हाइट ने खेला यहाँ पे बिशप जी फाइव, इस नाइट को पिन किया ई सेवन पे, और यहाँ पे ब्लैक ने खेल दिया है बिशप जी सेवन। अब तक ब्लैक की पोजिशन ओके लग रही है, क्योंकि नेक्स्ट मूव पे वो कैसल कर सकता है, उसका किंग सेफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे व्हाइट की तरफ से कुछ आपको डिफरेंट सोचना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, और शॉर्ट गेम्स का पर्पस यही होता है दोस्तों कि आपकी थिंकिंग आप आउट ऑफ बॉक्स करो, कुछ नया सोचो और बोर्ड पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दो। तो यहाँ पे व्हाइट ने खेल दिया है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मूव, वो है नाइट डी फाइव। आपको वीडियो यहाँ पे पॉज करना है दोस्तों, और फाइंड आउट करना है कि डी फोर का जो नाइट है ये व्हाइट क्यों दे रहा है फ्री ब्लैक को, इसके पीछे क्या रीजन है। तो दोस्तों गेम में ब्लैक ने ये नाइट कैप्चर किया है बिशप क्रॉस डी फोर, और यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मूव व्हाइट ने की है, वो है क्वीन क्रॉस डी फोर। यहाँ पे ब्लैक ने नाइट क्रॉस डी फोर खेला है, और इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो पॉज करना है एंड यू हैव टू फाइंड मेट इन टू फ्रॉम व्हाइट। तो दोस्तों आंसर है नाइट एफ सिक्स चेक, किंग एफ एट एंड बिशप एच सिक्स चेक एंड मेट। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये दो गेम्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको मिलते रहे ऑसम वीडियोस एवरी वीक। अब दोस्तों वक्त है खेलो चेस इंडिया के मेक मी फेमस कॉन्टेस्ट का, और ये पजल हमने पब्लिश किया था धमाका शॉर्ट गेम सीरीज एपिसोड 3 में। तो दोस्तों इस पजल का आंसर है बिशप टू बी वन, ये एक जुगजवांग मूव है। एंड बिशप टू बी वन के बाद ब्लैक के पास सिर्फ दो ही कैंडिडेट मूव्स बचती है, एक तो किंग मूव करना या फिर बिशप मूव करना। अगर वो किंग मूव करता है तो उसका बिशप फ्री जा सकता है, इसलिए उसे बिशप मूव करना कंपलसरी है। ब्लैक ने बिशप कहीं पर भी मूव किया तो नाइट डिस्कवर्ड चेक में वो बिशप फ्री जा सकता है। तो दोस्तों इस कॉन्टेस्ट के विनर्स हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ओमकार एंड आर्या। दोस्तों आप भी फेमस हो सकते हो, बस आपको इस पजल का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपका नाम और आपका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ही जरूर आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।